रंगरेस की आवाज न्यूज में आप सभी दोस्तों का खैर मकदम है। एक मासूम बच्चा अपने घर से माँ उसके बड़े प्यार से लाड़ से स्कूल भेजती है ये सोच के कि मेरा बच्चा कल बड़ा होकर कुछ ना कुछ जरूर बनेगा, लेकिन अफसोस वो बच्चा वहाँ जाने के बाद में उसकी कोई देख रेख नहीं करता, उसे कोई समझता नहीं है, उसे कोई ख्याल नहीं रखता। वो बच्चा खेलते खेलते गिरता है या कैसे गिरता है इसकी कोई तफ्तीश कोई नहीं करता। जब वो बच्चा अपने घर से अपनी स्कूल से घर जाता है तो घर जाने के बाद में उसको माँ बाप बुखार आने की वजह से दवा खाने ले जाते हैं और दवा खाने में ले जाने के बाद में कुछ दवा खाने वाले उसे लेने से भी इनकार कर देते हैं। तो ये है हमारा सिस्टम, ये है हमारे देश का नज़ारा, ये है हमारे अकोले का नज़ारा। तो आप देख सकते हैं, आइए हमारे साथ बने रहिए, जानिए पूरी न्यूज़। मेरा नाम याकूब बेग है और कल एक घटना हुई अली पब्लिक स्कूल में जिसमें मेरा भतीजा अहमद रजा स्कूल में गिर गया। वो LKG 2 में पढ़ता है अली पब्लिक स्कूल में और वो गिर गया है वहाँ पर। उसको यानी हमने एक यानी रेगुलर जो हॉस्पिटल रहता उस हॉस्पिटल में लेके गए। बाद में बच्चे को मैंने जब बच्चे को मिला तो उसको जैसा यहाँ सूझ गया था, उसके मैं निशान हो गया था उसके काले काले। बच्चे को पूछे थे, बच्चे ने बोला कि बच्चे को मैंने पूछा, बच्चे को मैंने जब पूछा तो बच्चा बोले कि मैं बोले बेंच पर गिर गया। फिर मैं उसको एक हॉस्पिटल में ले गया, वहाँ के डॉक्टर साहब ने बोले इसको एडमिट करो, एडमिट करा फिर सीटी स्कैन करो। तो इसको दवाखाने में लेके गए, जब हमने GR हॉस्पिटल में लेके गए तो वहाँ पर उसका यानी वहाँ पर उसको एंट्री नहीं उसकी, वहाँ पर समझो वहाँ गए, वहाँ से शुक्ला में लेके गए, शुक्ला से फिर मेन हॉस्पिटल में ले गए तो मेन हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई थी। तो अभी आप लोग किस को इसमें गुने दोषी मानते हैं? हम गुनेगार इसमें गुनेगार अली पब्लिक के मैनेजमेंट को और अली पब्लिक में जो भी मैनेजमेंट के अंदर स्टाफ है उनको मानते हैं इसमें गुनेगार, और इसके जो ओनर है इनको मानते हैं। इनकी लापरवाही की वजह से हमारा बच्चा हमारे हाथ से वो हमसे जुदा हो गया, उसका इंतकाल हो गया। बताएंगे फोन पर।